हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य के 6वें चैप्टर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के प्रश्न अभ्यास कराने वाला हूं। तो देख सकते हो मेरी हैंड रिटन नोट्स में यहां पर आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन कर दिया है। तो पहले मैं आपको बुक में पहले हल कराऊंगा, फिर अपनी नोट में दिखाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले के सभी चैप्टर्स के मैंने अभ्यास प्रश्न करवा दिया है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हो तो जा करके चैनल पर कक्षा 9 की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके सभी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला गद्यांश क्या है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया तो कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं, ओके। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। अब इसके देखिए, जैसे अगर ये गद्यांश आपके एग्जाम में आ जाएगा तो सबसे पहले ही आपको क्या कर देना है, एक तरफ लिख देना है चाहे दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद लास्ट के दो तीन शब्द जैसे पूजा करता है दूसरी तरफ लिख देना, फिर डैश डैश लगा देना, उसके बाद फिर नंबर आती है क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए गद्यांश के पाठ का नाम तो आप जानते ही हैं, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला नंबर डालना है और लिखना है पाठ का नाम। यहाँ पर लिख देंगे निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। उसके बाद देखो लेखक का नाम पूछा गया है, तो लेखक का नाम आप लोग जानते ही हैं, काका कालेलकर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे लेखक का नाम काका कालेलकर, बस इतना लिख देंगे। या फिर यहाँ पर आप संदर्भ भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। संदर्भ हेडिंग डाल करके आप पूरा जो संदर्भ जैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक काका कालेलकर हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पूछा गया है। अगला देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करूँ तो सबसे पहले मैं आपको किताब में समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है, तो हमें पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं लिखना है, केवल जितने के नीचे लाइन खींची गई है केवल उतने की व्याख्या लिखना है। तो देखो यहाँ पर लेखक कहते क्या है कि चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो, आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका भी एक देश है, ठीक है, या हमारे भारत देश में हो, सरकार के खिलाफ जब भी संघर्ष करने का मौका मिला है, यानी जब जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, चरित्र माने चरित्र का, ठीक है ना, यानी जब भी हमें अपने चरित्र के तेज को व्यक्त करने का अवसर मिला है, तो वहाँ वहाँ कस्तूरबा, आप लोग जानते हैं गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, ठीक है ना, तो कस्तूरबा जो है हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब जब भी सरकार से संघर्ष लेने का मौका मिला तो कस्तूरबा उनमें कभी पीछे नहीं रही हैं, यानी वो हमेशा सरकार से संघर्ष लेती रही हैं जब भी सरकार के विरुद्ध उन्हें खड़ा होना होता था, यानी जिस काम में सरकार जहाँ पर गलत होती थी कस्तूरबा उनका जो है विरोध करती थी और उनके संघर्ष के लिए वहाँ पर खड़ी होती थी और सफल होती थी, ठीक है ना। मेन व्याख्या यही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। कस्तूरबा का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि चाहे भारत में हो या दक्षिण अफ्रीका में, सरकार के खिलाफ संघर्ष के अवसर पर कस्तूरबा कभी पीछे नहीं रही, ओके, और उसका सफलतापूर्वक संचालन किया, यानी कि सरकार के संबंध में जो उन्होंने आंदोलन उठाया उसका सफलतापूर्वक इन्होंने संचालन किया, कभी भी पीछे नहीं रहे उस संबंध में। देखो किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है, तो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिख देना है यहाँ पर कि विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज राष्ट्र जो है, आज सारा राष्ट्र जो है कस्तूरबा की पूजा करता है, ओके। अब हम आ चुके हैं दोस्तों अगले गद्यांश पर, जो कि आप लोग देख सकते हो, दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। देखो महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है, कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। अब यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो तो देखो इसके क्वेश्चंस को, पहला क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो अभी मैंने आपको बताया ही था कैसे लिखना है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को एक तरफ लिखना है दुनिया में दो, दूसरी तरफ प्राप्त की, ठीक है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं काका कालेलकर द्वारा लिखित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना लिख देना। उसके बाद देखो
रेखांकित अंश की व्याख्या मैं पहले आपको बुक में समझाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं। अमोघ का मतलब ये होता है ऐसी शक्ति जिसको अगर हम किसी के ऊपर प्रयोग कर दें तो उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर मिले, यानी कि जो कभी भी निष्फल ना हो, ठीक है ना। अमोघ का मतलब होता है निष्फल ना होने वाली शक्ति। जैसे अगर हम कह दें कि आपको अगर ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे अगर आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, आपके लिए अमोघ शक्ति हो जाएगी, यानी वो कभी भी आपके लिए निष्फल नहीं होगी, उसे आप जब भी किताब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सबको मिलती कहाँ है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन तपस्या और देवताओं की भक्ति करनी पड़ती है। तो वही यहाँ पर चर्चा किया गया है कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, यानी अमोघ शक्तियाँ मतलब ऐसी शक्तियाँ हैं जो कभी भी निष्फल नहीं होती, जिसका प्रयोग करने पर कोई ना कोई परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। वो दो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, एक शब्द है और एक कृति है। अब देखो शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो पूरा पैसेज शब्दों में ही लिखा गया है, ठीक है ना। यानी ये तीन अक्षर जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कह देंगे, शब्द कह देंगे। यानी एक या एक से अधिक अक्षर अगर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये सभी शब्दों से पूरा पैराग्राफ बना हुआ है। तो शब्दों से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं या व्यक्त करते हैं दूसरों के सम्मुख, ठीक है ना। तो शब्द क्या होता है, कहना। शब्द का मतलब क्या है, कहना। और कृति का अर्थ क्या होता है, किसी काम को करना या कार्य करना या रचना करना, ठीक है ना। तो कृति का मतलब किसी चीज़ की रचना करना या काम करना। अब देखो दो ही शक्तियाँ हैं, एक तो शब्द है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को कहते हैं, दूसरा क्या है, काम करना, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, ये बात तो सही है भाई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना शब्दों के अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो शब्द हैं इन्होंने पूरी पृथ्वी में हर जगह काम आते हैं, पूरी पृथ्वी को हिला दिया है, का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी में इन शब्दों के बिना कोई भी काम नहीं होने वाला आज के ज़माने में, ठीक है ना। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है, कृति की है मतलब अंतिम शक्ति जो है जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो क्या है, कृति की है। क्योंकि कृति, कृति मतलब कोई काम करना, क्योंकि यदि हम कोई काम करेंगे नहीं तो वो कैसे होगा, क्योंकि अगर हमें शब्दों को ही व्यक्त करना है तो हमें मुँह से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो दूसरी अमोघ शक्ति है, अंतिम अमोघ शक्ति है, वो कृति है, यानी किसी कार्य को करने की है। तो इसको हम कैसे करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना कैसे है, आपको पूरा जो है मैं समझा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना है शब्द अर्थात कहना तथा कृति अर्थात करना। वास्तव में इस संसार की ये ही दो अचूक शक्तियां हैं, अचूक का मतलब जो कभी चूके ना, जिसका कोई परिणाम जरूर मिले। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों की शक्ति ऐसी है जिसने सारे विश्व को प्रभावित कर रखा है, किंतु शब्दों की अपेक्षा कृति वाली शक्ति और भी महत्व रखती है। बस ऐसे एग्जाम में आपको लिख देना है। अब देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कस्तूरबा कैसी महिला थी। तो आप लोग अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से सबसे अधिक शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष, सम्माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो आप लोगों को यहाँ पर देखें तो अच्छे से अर्थ नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा आप लोग ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि आपसे उनकी विशेषता ही पूछी गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे कस्तूरबा एक दृढ़ संकल्प वाली महिला थी, बस इतना लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला देखो, शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट करो। तो अभी मैंने बताया शब्द का मतलब किसी चीज़ को कहना, ठीक है ना। देखो शब्द और कृति दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द का अर्थ है कहना तथा कृति का अर्थ करना होता है, ठीक है। अगला देखो, गांधी जी ने किसकी उपासना की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की, यानी शब्द और कृति दोनों की उपासना गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे मित्रों कि गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना किया है, बस ऐसा लिख देंगे। अब चलिए चलते हैं लास्ट गद्यांश पर और इसे भी आपको अच्छे से समझा देते हैं और सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका गद्यांश दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखिए यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई, यहाँ से ये शुरू होता है गद्यांश और कहाँ तक जाता है, करने का होता है, ठीक है ना, गुड़ाकर करने का ही होता है। तो यहाँ पर देखिए गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग एक तरफ लिख देंगे यह सब श्रेष्ठता, दूसरी तरफ करने का होता है, डैश डैश लगा देंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, इसको पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो उपर्युक्त गद्यांश की, लेकिन एग्जाम में आपको करना क्या है, 2 से 3 बार इसको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराए देता हूँ, आप लोग एग्जाम में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम में संदर्भ ही पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर पूर्ववत लिख देंगे, ओके, या फिर अलग अलग करके लिख भी सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप ये तरीका एग्जाम में नहीं लिखेंगे पूर्ववत, ठीक है ना। एग्जाम में आपको अलग अलग लिखना है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश जाता है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाता है। स्वभाव सिद्ध कौटुंबुक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की,
सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है। अब यहाँ पर देखो पूरा गद्यांश पढ़ते हैं एक बार, फिर समझाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से देखिए, यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी, शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था, यानी उनको ज्ञान के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे, यानी पारिवारिक गुण उनके अंदर व्याप्त थे। कौटुंबिक मतलब पारिवारिक, ठीक है ना, पारिवारिक गुण उनके अंदर व्याप्त थे। आगे क्या कहा जा रहा है, असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी या पढ़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए, यानी कि उन्होंने अपने पारिवारिक गुण जो उनको परिवार से गुण मिले थे उसी गुणों का उन्होंने जो है प्रयोग किया, ठीक है ना, मौका मिलने पर और उनके जोरों पर, यानी कौटुंबिक सद्गुणों के आधार पर ही, उन्हीं की ताकत पर ही उन्होंने हर समय जीवन में प्रसिद्धि हासिल किया। यानी जीवन में उन्होंने जितना भी काम किया वो अपने पारिवारिक यानी परिवार के द्वारा प्रदान किए गए गुणों के द्वारा ही हासिल किया, ठीक है ना। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, अब देखिए पूरा मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। छोटे पैमाने पर भी उन्होंने अपने पारिवारिक गुणों के द्वारा ही हर काम किया है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डबल लाइन कर देंगे, लिखेंगे कस्तूरबा ने शिक्षण द्वारा कुछ नहीं ग्रहण किया था, बल्कि उन्होंने जो कुछ सीखा समझा वह व्यवहारता था, ठीक है ना। वास्तव में उनमें आदर्श कौटुंबिक सद्गुण थे, बल्कि अवसर मिलने पर उन्होंने स्वभाव सिद्ध पारिवारिक सद्गुणों का विस्तार किया और उसी के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त किया। छोटे पैमाने पर जो साधना की जाती है उसमें असीम शक्ति होती है, चरित्रवान व्यक्ति सदैव कसौटी पर खरा उतरता है। बस इतना आपको लिखना है, ओके, अतिरिक्त इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। देखो चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है, तो बस यही लिखना है पैसेज से ही, ठीक है ना। तो लिख देंगे चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार, ठीक है ना, गुणाकार यहाँ पर नहीं रहेगा, गुणाकार ही करना होता है, ठीक है। अगला देखो चरित्रवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे चरित्रवान व्यक्ति की विशेषता है कि उसमें कौटुंबिक सद्गुण होते हैं, यानी पारिवारिक गुण उसके अंदर होते हैं। अगला देखो किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, उसका तेज लोकोत्तरी होता है, किसका तेज लोकोत्तरी होता है, शुद्ध साधना का, ठीक है ना, शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। बस इतना आपको लिखना है और इतने में आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगले चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो एक कमेंट कर देना, ठीक है ना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।